हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। दोबारा से आ चुके हैं न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम पोकेमॉन का 52 एपिसोड दिखाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया जाता है कि ऐश और पिकाचू सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और तभी पिकाचू को थंडरबोल्ट, और तभी बॉनी और क्लेमेंट और सरीना भी उनकी ट्रेनिंग देख रही होती है। तभी डिटेने को कोई दिखता है, तो वो सब वहाँ की तरफ देखते हैं। तो हमें दिखता है कि एक पोकेमॉन ट्रेनर और उसका पोकेमॉन नदी में बह रहा है, मतलब तालाब में। फिर हमें एपिसोड का टाइम वो दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं स्टन पे होता है और उसका ग्रेमिंजा। फिर ग्रेमिंजा पे कोई ने टॉक्सिक अटैक किया था, इसलिए वो बहुत घायल सा होता है। फिर सनफे को होश में आता है और वो पूछता है ग्रेमिंजा कहाँ है। फिर सब लोग दिखाया जाता है ग्रेमिंजा को क्लेमेंट एक बेरी खिला देता है जिससे कि वो ठीक हो जाता है। फिर ऐस पूछता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, तब ऐस निकालता है ये है ग्रेमिंजा। तो क्लेमेंट पूछता है कि क्या तुम्हारा फोकेटेयर ग्रेमिंजा में इवॉल्व हो गया है, तब वो कहता है हाँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पोकेमॉन उसका ट्रेनर आके ऐस और बाकी सब पे अटैक कर देते हैं। तभी ऐस और बाकी सब उनको फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, पर स्टैंड पे फाइट करने से मना कर देता है। फिर इतने में ही फाइट स्टार्ट हुई होने वाली थी, इतने में वो फ्रॉकी को कट इस्तेमाल करने को कहता है। कट इतना शक्तिशाली नहीं होता है, फ्रॉकी गिर जाता है। फिर एस पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है, पर थंडरबोल्ट का भी उस पोकेमॉन पे कोई असर नहीं होता है। और पीछे से 3 रॉकेट ये सब देख रहे होते हैं, ये सब क्या चल रहा है। और तभी क्लेमेंट भी बहुत घबरा जाता है कि इतना शक्तिशाली पोकेमॉन का है। तभी स्टैनफे अपने निंजा ट्रिक की जलिए वहाँ पे एक बवंडर लाके गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लोग जंगल के पास होते हैं और सभी बहुत थक गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है स्टैनफे को, जिसको याद आता है कि उसका कोई काम दिया था उसके भाई ने जो उसे पूरा करना है। तो उस काम को लेके वो अपनी सारी कहानी बताता है दोस्तों को कि कैसे वो वहाँ से निकला था काम करने के लिए, और वो लोग को रास्ते में ही एक बवंडर सा दिखा, और जैसे ही वो लोग उसके पास गए तो वो ट्रेनर मिला मिंजा, या फिर वो उनका दुश्मन है या फिर गाइस कोई भी समझ लीजिए। तो वो उन पर अधहाली अटैक कर देता है, फिर ग्रेमिंजा पर टॉक्सिक कर देता है जिसकी वजह से ग्रेमिंजा घायल हो जाता है, और वो ग्रेमिंजा के पकड़ने के चक्कर में खुद भी पानी में गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब ये कहानी सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रॉकी और ग्रेमिंजा को जो दोबारा मिलके बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सरीना को जो उसके ग्रेमिंजा के बारे में पूछ रही होती है। फिर ऐस कहता है कि मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। क्लेमेंट कहता है कि मेरे पास एक आविष्कार है, क्लेमेंट गियर ऑन। तो गाइस एक रनिंग मशीन निकालता है क्लेमेंट। तो गाइस ये रनिंग मशीन है, 3 रॉकेट के लिए शायद इसको बनाया। तभी हमें खड़ूस जैसी दिखाई जाती है जो जंगल में घूम रही होती है, और सब लोग खाना या फिर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ये वो वाली मशीन जिसके ऊपर मियाउत गलती से स्क्रैच इस्तेमाल कर देता है। और फिर सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि वो तो एक मशीन है, वो बच्चे नहीं हैं। और फिर गलती से वो लोग मियाउत उस पर स्क्रैच इस्तेमाल कर देता है और वो मशीन फट जाती है, तो उसकी वजह से वो लोग काले हुए। फिर हमें दिखाया जाता है स्टैनफे को जो मार्ग दिखा रहा होता है, यहाँ तक हमें जाना है। फिर सरीना भी सोचने लगती है, फ्रॉकी और एस और पिकाचू तीनों ही बड़े एक्साइटेड होते हैं। फिर हमें दिखाता है हु इज़ डैट पोकेमॉन, तो ये है। तो गाइस ये आप लोग जल्दी से बता दीजिए, कमेंट में बता देना गाइस, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो गाइस हमें दिखाया जाता है एक पतला सा ब्रिज होता है, नीचे खाई होती है। क्लेमेंट बॉनी को संभाल के चलने को कह रहा होता है, और खुद ही नीचे गिर जाता है गाइस। और फिर फ्रॉकी अपने बबल्स की मदद से और ग्रेमिंजा अपनी जीप की मदद से दोनों को बचा लेता है, क्योंकि गाइस सरीना भी गिर जाती है क्लेमेंट के साथ। फिर दोनों ही बच जाते हैं, और फिर वो लोग उनको ऊपर खींच लेते हैं गाइस। तो हमें दिखाया जाता है वो लोग केव के अंदर जा रहे हैं, जिससे शॉर्टकट है का रास्ता। फिर हमें दिखाया जाता है जू वैट जो वहाँ पर
रहते हैं गेम में वो ऐश बाकी सब पे अटैक करने लगते हैं। तभी ग्रेमिंजा अपनी स्मोक स्क्रीन की मदद से अपने वो बचा लेता है, पर क्लेमेंट और सरीना और बॉनी वहीं पे रह जाते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पोकेमॉन वापस आ गया है और उसका ट्रेनर भी। फिर हम स्टैनफे ऐश को नहीं लड़ने वो कहता है हाथ फैला के, पर ऐश कहता है मैं भी लड़ूंगा। और फिर यहीं पर बैटल स्टार्ट ही होती है दोनों ग्रेमिंजा और फ्रॉकी को डबल टीम इस्तेमाल करने को कहते हैं, पर डबल टीम का कोई असर नहीं होता। तो पिकाचू को इलेक्ट्रोबॉल इस्तेमाल करने को कहता है, पर इलेक्ट्रोबॉल का भी उतना असर नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है तीन रॉकेट जो पिकाचू को पकड़ने के मकसद से आई होती है। अपना पिकाचू को तो नहीं पकड़ पाती, पर अपना इंट्रोडक्शन देने में लग जाती। फिर फाइनली वो लोग पिकाचू को पकड़ लेते हैं गाइस। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ट्रेनर जो ऐश से लड़ रहा था वो पिकाचू की रक्षा करने लगता है। तभी जैसी अपने बल्बपेट और म्याउथ को भेजती है लड़ने के लिए, पर वो लोग उड़नछू हो जाते हैं क्योंकि वो पोकेमॉन शक्तिशाली है गाइस। और फिर हमें दिखाया जाता है बैटल दोबारा से स्टार्ट होती है गाइस, बहुत भयंकर बैटल होती है गाइस। इस बैटल में हमें दिखाया जाता है कि दोनों पे मड शॉट इस्तेमाल कर देता है पिकाचू ग्रेमिंजा फ्रॉकी पे, तो बहुत कड़ा डैमेज होता है। और फिर टॉप सिक्स से अटैक करने लगता है तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। और जो उसने मड शॉट इस्तेमाल किया था उससे पिकाचू और ग्रेमिंजा का मुंह ढक जाता है, जिससे और फ्रॉकी पत्थरों के नीचे दब जाता है। और फिर वो लोग उस पर अटैक करने के लिए आता है तो फ्रॉकी इवॉल्व हो जाता है गाइस रॉकेट एयर में। फिर फ्रॉकेट एयर अपनी शक्ति के साथ आ जाता है गाइस। फिर ऐश देखता है कौन सा पोकेमॉन, ये है फ्रॉकेट एयर। तो गाइस फ्रॉकेट एयर मस्त बैटल करता है और इस पोकेमॉन को हरा तो नहीं पाता, पर बहुत डैमेज कर देता है अपने मूव्स की वजह से, जैसे कट हो गया गाइस, बबल्स हो गए गाइस, बहुत भयंकर डैमेज कर देता है। और फिर डैमेज होने के बाद वो मिंजा और उसका पोकेमॉन वापस चले जाते हैं गाइस। फिर हमें लोग को दिखाया जाता है ये फ्रॉकी टेयर ये सब देख के। फिर हमें दिखाया जाता है मिंजा विलेज तो नहीं कहूँगा, कोई का घर जिसमें अभी ऐश और स्टैनफे आए हुए हैं और वो लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें दिखाया जाता है क्लेमेंट बॉनी और सरीना और डेटेने जो उनको हाई कह रहे हैं। फिर ये लोग होते हैं, ये लोग हमसे पहले यहाँ क्यों आ गए। फिर उनका शक्ल ऐसी थी कुछ देर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेनर और कोई नहीं स्टैनफे का भैया ही होता है गाइस। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सबरे हक्का बक्का हो चुके हैं याद सुन के, पर ऐसे अपने जोश में कायम है। और फिर हमें दिखाया जाता है सरीना और क्लेमेंट जो सोच रहे हैं फ्रॉकेट एयर के। बॉनी कहती है कि फ्रॉकेट एयर तुम फिर से फ्रॉकी में विकसित हो जाओ और फ्रॉकी में इवॉल्व हो जाओ, फिर फ्रॉकेट एयर में होना क्योंकि मैं तुम्हें इवॉल्व होती हुई नहीं देख पाई। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐसा कहता है कि नेक्स्ट बार मिलेंगे स्टैंड पे तो अपन फाइनली बैटल करेंगे। और फिर यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।